वैसे तो प्रतीक सैजपाल का अब तक हर एक कंटेस्टेंट से हो चुका है झगड़ा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक रिद्धमा पंडित ही बची थी। वेल, अब रिद्धमा पंडित और प्रतीक सैजपाल के बीच में भी हो गया है गजब का झगड़ा। वेल, क्या कुछ हुआ है और किस बात पे हुई है इन दोनों की लड़ाई, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि बिग बॉस OTT में आए दिन प्रतीक सहजपाल को सभी कंटेस्टेंट यानी किसी न किसी से झगड़ते हुए देखा ही जाता है, लेकिन रिद्धमा पंडित और प्रतीक सहजपाल के बीच में एक छोटे से मामूली सी चीजों के बारे में झगड़ा हो गया। वेल, आपको बता दूं कि बीते दिन रिद्धमा पंडित ने को बर्तन धोना था, मतलब बर्तन वॉश करना था, लेकिन रिद्धमा पंडित ने बर्तन को नहीं धोया। किचन के जितने भी बर्तन थे सभी को नहीं धोया। सुबह तक वो बर्तन हो गया ज्यादा और प्रतीक सहजपाल को लगने लगा वो भारी। प्रतीक सहजपाल रिद्धमा पंडित को जाकर कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं बर्तन को वॉश किया है, तो रिद्धमा पंडित के साफ साफ कहती नजर आती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने वॉश नहीं किया। वेल, रिद्धमा पंडित ये भी कहती हैं साथ साथ कि अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेंगी तो वो कोई भी काम नहीं करेंगे और उनसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। और इस बात पे प्रतीक का पारा हो गया हाय। प्रतीक इस बात पे बोलते आए कि अगर आपको नहीं करना था या फिर आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपके पार्टनर को ये काम करना चाहिए या फिर आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगी, तो कोई भी आपका पार्टनर करता या फिर किसी को वो काम के लिए अपॉइंट किया जाता। लेकिन रिद्धमा ने ऐसा नहीं किया और जब प्रतीक को आया गुस्सा रिद्धमा के इस बात पर कि वो नहीं करेगी, जब वो जबरदस्ती बोल रही है और प्रतीक कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें करना ही होगा, और रिद्धमा कह रही है नहीं मैं नहीं करूंगी, और रिद्धमा ये भी कह देती है प्रतीक को कि तुम जैसे कुत्तों से मैं मुंह नहीं लड़ाती। जी हाँ, रिद्धमा ने लिटरली कुत्ता कहा है प्रतीक सहजपाल को, और ये भी कहती है कि मैं तो कुत्तों का बहुत शौक रखती हूँ, काफी मुझे पसंद है, लेकिन तुम्हारे जैसे का तो मैं मुंह भी ना देखूं। वेल, प्रतीक सहजपाल को वैसे तो वो कुत्ता कहती ही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि तुम जैसे कुत्तों का मैं मुंह भी ना देखूं। और इस बात पर दोनों में छिड़ जाती है बड़ी लड़ाई। वेल, ये लड़ाई कब तक चलेगी और इसका बदला प्रतीक सहजपाल रिद्धमा पंडित से किस तरह लेने वाले हैं ये तो आगे शो में पता चलेगा ही। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे रिद्धमा पंडित के इस वर्ड के लिए जो कि प्रतीक सहजपाल के लिए निकला है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।